अर्बन डायलॉग्स रीइमेजिनिंग भोपाल के पहले सत्र में भोपाल स्मार्ट सिटी पर चर्चा हुई। इस सत्र की अध्यक्षता मध्य प्रदेश की फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी निर्मला बुच ने की। उन्होंने पेड़ों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें भोपाल की हरियाली पर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक जमाना था कि भोपाल में जैसे भोपाल की सिटी ऑफ लेक्स, वाटर बॉडीज एंड ऑफ ट्रीज। एक जमाना था, आपने कभी एयर से ट्रेवल किया हो, छोटे छोटे लाइन में से देखो तो सारे जगह आपको पेड़ दिखते थे, छोटा सा बीच बीच में मकान दिखता था। सब जनता ने बनाए थे, लोगों ने बनाए थे जो बहुत जगह से आए थे, और वो सब खुशी दिखेगा। तो क्या हम भोपाल को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें कि पेड़ खत्म हो जाए? आई हैव ट्राइड टू रेज व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम सिटीजंस कि उनको क्या तकलीफ है, मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द स्मार्ट सिटी, बट देयर आर इश्यूज स्मार्ट सिटी व्हिच यू मस्ट रिजॉल्व इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजंस। सत्र के अगले वक्ता भोपाल स्मार्ट सिटी के एडिशनल सीईओ रामजी अवस्थी ने स्मार्ट सिटी को परिभाषित किया, और साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी भोपाल में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताया। स्मार्ट सिटी ये सुविधाएं हैं कि जो आपका सिटी इंफ्रा हो वो आपके हाथों में हो। अगर आपको पानी आपके, अगर आप उबेर ईट से ऑर्डर करते हैं ऐप के माध्यम से, तो आपको खाना घर में आ जाता है। अगर ऐप के माध्यम से आप पानी का ऑर्डर करें तो आपका नल अपने आप चालू हो जाए। यह है स्मार्ट सिटी कंसेप्ट। यह है जितनी भी सर्विसेज है जो यूएलबी लेवल पे सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उनको हम आईसीटी कंपोनेंट साथ जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ द सिटी। नंबर वन में मैक्सिमम कंपोनेंट हमारा ये है। पहले सत्र के आखिरी वक्ता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के टेक्निकल डायरेक्टर पश्चिम तिवारी ने नगर निगमों के हितों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि 74th अमेंडमेंट एक्ट के बावजूद नगर निगमों को आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फायदे हमें आने वाले समय में जमीन पर दिखेंगे। Power states have given to the municipal corporation is a very big challenge. You know, unfortunately, they cannot put even a single tax on their, on their bills because of various political considerations. But the poor municipal corporations, unfortunately, because of that burden, you know, keeps on becoming in the red constantly. So they have nothing to spend. That whatever capital expenditure they get from the center or the state is a tight cut. They can't use it for anything else. And whatever is earned by them is not even enough to pay their establishment costs. सत्र के अंत में इस बात पर आम सहमति दिखी कि डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन भी एक अहम भूमिका अदा करता है। अर्बन डायलॉग्स रीइमेजिनिंग भोपाल के अगले सत्र में विशेषज्ञों ने इस विषय पर प्रकाश डाला कि कैसे भोपाल शहर की अधोसंरचना, यातायात और पर्यावरण के सही तालमेल से शहर को बेहतर बनाया जा सकता है।